अरे यार विनी हो गया। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो गाइज, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतजार था मुझे, आप लोगों में से बहुत लोगों का। बहुत लोग कमेंट कर रहा था, डीएम कर रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि क्या वो रीज़न है। लेकिन उससे पहले बोल देता हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ था, मतलब इतने दिन वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। आप लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम संडे नाइट पे बेनेली का स्टैंड टूट गया था, मतलब स्टैंड नहीं है बाइक मेरा, उस दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। सो दैट्स द रीज़न कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया, क्योंकि बाइक लेके तो नहीं निकल सकता, क्योंकि बाइक लेके निकलूंगा तो कहाँ बाइक रखूँगा। सो यही है रीज़न। सो गाइज, आज निकल चुका हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू जॉय बाइक्स पॉइंट, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक नया बाइक लेने के लिए। तो आप लोगों को सब कुछ बोलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, अभी के लिए तो KTM लेके जाऊँगा, लेकिन वहाँ जाके बहुत सारा बाइक्स रहने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। चलो सो गाइज, जैसा कि मैं बोला था कि आज KTM लेके जा रहा हूँ, तो KTM लेके तो निकल चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक। सो गाइज, मैं फाइनली बाइक ले रहा हूँ, नया बाइक। सो अभी भी डिसाइड नहीं किया हूँ कि कौन सा बाइक मैं ले रहा हूँ। मे बी आई विल गो फॉर डेटोना, Z800 भी ले सकता हूँ, तो कोई अभी भी आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग पे और भी एक बाइक है, लेकिन अभी नहीं बोलूँगा आप लोगों को, वीडियो देखो आगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ जॉय बाइक्स पॉइंट पे, क्योंकि बहुत बाइक्स अवेलेबल है वहाँ पे। तो पहली बार तो मैं देख लेता हूँ बाइक कि कौन सा बाइक अवेलेबल है अभी। एंड जॉय बाइक्स पॉइंट का एक नया शोरूम भी हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर ओपनिंग भी होगा। अरे अरे देखो देखा। सो गाइज, जॉय बाइक्स पॉइंट का एक नया शोरूम भी हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर ओपनिंग भी होगा, और वीडियो तो बनाऊंगा फॉर श्योर। एंड गाइज, और एक बात बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, किसके लिए नंबर मैं बोल देता हूँ सब कुछ। गाइज, आई एम सेलिंग माई बेनेली, एज यू नो मैं बोला था, बहुत वीडियो में बोला कि मैं बेनेली सेल कर रहा हूँ। तो एक डीलर का नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, तो कॉन्टैक्ट करूँ उन लोगों को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड अभी मैं महफिल होके जाऊँगा जॉय बाइक्स पॉइंट पे। ओह, पूरा स्मूथ बस। A few moments later. तो गाइज, अभी महफिल से होके जा रहा हूँ जॉय बाइक्स पॉइंट। मैं और साइड था, मुझे ऐसा टाइप ही एक बाइक लेना है जो बहुत लाउड हो, फ्लेम भी आना चाहिए। क्या हुआ इधर? यार एम्बुलेंस है पीछे, एम्बुलेंस है पीछे। अरे आ जाओ यार। ये लोग तो साइड ही नहीं दे रहे। चलो वो एम्बुलेंस फिर से आ रहा है। तो गाइस, लेफ्ट साइड पे है, इधर मैं दिखाता हूँ, देखो जॉय बाइक्स पॉइंट का नया शोरूम देख लो। तो 2-3 दिन बाद ही ओपनिंग है, मैं आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी। तो मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ जॉय बाइक्स पॉइंट। जॉय बाइक्स पॉइंट का जो नया शोरूम है ना, इसका पूरा ऑपोजिट पे है, मतलब जो शोरूम अभी है उसका पूरा ऑपोजिट साइड पे है। अरे मैं कहाँ चला आया यार, जॉय बाइक्स पॉइंट पे। अरे यार मैं तो कहाँ चला आया,
फिर से जाता हूँ, यूटर्न लेकर आता हूँ। मैं कहाँ चला आया यार, समझ में ही नहीं आया। बंद है क्या? अरे आज तो मंडे है, जॉय बाइक्स पॉइंट तो बंद होगा आज। अरे यार मैं देख लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जॉय बाइक्स पॉइंट तो आज बंद होगा। पूरा प्लान चौपट हो गया यार। मंडे पे जॉय बाइक्स पॉइंट बंद रहता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ है शोरूम। मतलब लाइट वाइट सब कुछ बंद था, पूरा प्लान गया। अरे हाँ साइड पे बंद है शोरूम। ओह यार जाहिर भाई आ गया है। बंद दो, बंद दो, बंद दो। जानी हम तो एक पग घूटे एलम। चलो तो आदेश भैया से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ बाइक के बारे में, क्योंकि बेनेली का स्टैंड फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। A few moments later. चलो अभी कोई दूसरा प्लान बना लिया। तो ये वाला जो रोड है मुझे मालूम नहीं कहाँ जाके जॉइंट होता है, तो अभी देख लेता हूँ। वाह व्हाट अ व्यू यार, देखो ओहो पूरा फुल ऑन फ्लेम। ना 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 बाद में चलाऊंगा, अरे बाद में चलाऊंगा मैंने। ठीक है तो मैं एक स्टोरी लगा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं चलाने वाला हूँ जाहिर भैया का जिक्सी। अरे यार क्या पावर है। हाँ 1000cc बाइक है तो पावर तो होगा ही। लेकिन ये रॉ बाइक है, एबीएस नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो भैया डर गया बोल रहा है, तो पीछे से भी रिएक्शन आ रहा है। जाहिर भैया बोल रहा है एक्चुअली बाइक नहीं है, एरोप्लेन है। तो लोग पीछे से बोल रहे कि रेप मारने के लिए। हाँ अरे यार विली हो गया थोड़ा सा, विली हो गया थोड़ा सा, एक्सीडेंटल विली। अरे यार कॉप से लेफ्ट साइड पे तो मैं निकल जाता हूँ। सो गाइज मैं फिर से आऊँगा कल जॉय बाइक्स पॉइंट पे मेरा नया बाइक देखने के लिए। तो बहुत सारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड वीडियो शेयर कर दो, ये वाला वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो। एंड गाइज नीचे कमेंट करके अभी भी बोल दो कि कौन सा बाइक मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मैं दो बाइक के बारे में कन्फ्यूज़ हूँ। तो बोल दो।
सर आ चुका है एंड हर संडे पे राइड होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो के लिए। राइट भाई, ये लोग कैसे चलाता है इस बाइक को? ये तो बाइक तो नहीं है, एरोप्लेन है, मुझे मालूम है। इतना पावरफुल बाइक, आपसे मुझे राइडर मत बोलना, मुझे पायलट बोलना, क्योंकि आई एम राइडिंग, मतलब नॉट राइडिंग, आई एम फ्लाइंग अ प्लेन।